नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह। आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 के आइडेंटिटीज को के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ चार आइडेंटिटीज डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी जो है हमारा वो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये हमारा फिफ्थ आइडेंटिटी है। फिफ्थ आइडेंटिटी आप ये सब नहीं देखिएगा क्योंकि ये रफ कॉपी है, ये पहले की चीज है। तो आगे बढ़े। इस आइडेंटिटी की खासियत क्या है बेटा कि इसमें मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि आपको हर एक आइडेंटिटी को ऐसे अध्ययन करना है कि क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि कौन से आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस एक्सरसाइज को आपको टाइम देना है क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव लेवल का चैप्टर है, इसलिए मैं भी ज्यादा से ज्यादा अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कहीं भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़े। इसमें हम सबसे पहले एनसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सॉल्व करेंगे। जब आप लोग के पास एनसाइनमेंट है तो आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन लिख लूं तो y प्लस 5 और y माइनस 7। तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। ये बेटा जस्ट फॉर्मूला है, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे x के जगह कुछ भी हो सकता है, एनी वेरिएबल, ठीक है। और यहीं पे a और b के जगह कोई सा भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां पे x के जगह आप देख पा रहे होंगे, x के जगह हमारे पास क्या है y, डन। a के जगह हमारे पास क्या है 5 और b के जगह क्या है बताइए, b के जगह क्या है माइनस 7। मैंने आप लोग को बार बार कहा था कि बेटा माइनस साइन ऐसा चीज है ना जिसको आपको छोड़ना नहीं है। यहां पे b के इक्वल 7 नहीं है, माइनस 7 है। तो जब आप लर्निंग स्टेज पे हो ना तो इस सब को आराम से बेहिचक, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये शर्मा के कोई इंसान नहीं सीख सकता। नहीं आता है 10 बार पूछिए, नहीं आता है तो 10 बार उसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिख के सॉल्व कीजिए। तो अभी लर्निंग स्टेज है, मुझे नहीं आता, मैं गड़बड़ होने का डर है। तो मैं क्या करूंगा कि एक्स यहाँ पे किसके इक्वल है वाई, यहाँ पे ए के इक्वल क्या है 5 और बी के इक्वल क्या है मेरे पास माइनस 7, ठीक। तो जब मैं इस फॉर्मूले पे पुट करूंगा और लर्निंग स्टेज है मेरा, जब इस फॉर्मूले पे मैं पुट करूंगा तो कहीं भी गलती होने का चांस नहीं होगा बाबू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नाउ वी हैव तो चलिए पुट कीजिए। तो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस एक्स यानी वाई ए यानी 5 प्लस बी यानी कहने का मतलब क्या है प्लस माइनस 7। बात समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लस ए बी इन यानी 5 इंटू माइनस 7। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा वाई 5 माइनस माइनस 7 जो होगा वो आपका माइनस 2 होगा और ये आपका माइनस 2, यानी आपका आंसर जो आएगा यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 2, डन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब हम थर्ड क्वेश्चन एनसाइनमेंट का थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन उठाएंगे। हालांकि थर्ड में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है असाइनमेंट के, तो इस फॉर्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड वन है
क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 109 इंटू 105, ठीक है, 109 इंटू 105। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो रेलवे के पेपर में भी आता है, बैंकिंग के पेपर में भी आता है, आप किसी भी तरीके के डिफेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो पुलिस फोर्स हो या आर्मी नेवी या एयर फोर्स हो, उधर जाएंगे उधर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए नॉर्मल सी बात है कि कंपटीशन में कोई आपको ये नहीं देखने जा रहा कि आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं या फॉर्मूले बेस्ड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर्मूला हम इसलिए सीखते हैं ना बेटा कि अपना कैलकुलेशन लेंथी जो कैलकुलेशन, अब जैसे नॉर्मल सी बात है कि मैं इसके मल्टीप्लीकेशन को ओरली तो नहीं कर सकता, इसको हम मुझे कॉपी पेन पे यहाँ पे रफ में करके देखना पड़ेगा। तो कंपटीशन में होता क्या है, टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होने से क्या होता है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा और मिस्टेक होने का चांस कम होगा। तो आइए फॉर्मूले के, ये नॉर्मल सी बात है, अभी तो चलिए नाइन्थ क्लास है, फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तो टीचर मार्क्स काटेगा, कंपटीशन में कोई नहीं देखने वाला, आप आराम से 109 और 105 को इंटू करके लिख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये टाइम लेगा और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला सीखिए, फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। तो 109 को मैं 100 प्लस 9 लिख सकता हूं, इंटू 105 को मैं 100 प्लस 5 लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब साफ साफ आप लोग को दिख रहा है यहां पे, ये x प्लस a और ये x प्लस b है, यानी x के जगह पे क्या है 100, a के जगह पे क्या है 9 और b के जगह पे क्या है 5। अब चलिए फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, तो मेरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस एक्स यानी 100 इंटू ए प्लस बी यानी 9 प्लस 5 प्लस ए इंटू बी यानी 9 इंटू 5, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से देखिए, यहां पे कहीं भी पेपर का काम नहीं कर, मतलब आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये ओरली हो जाएगा। 100 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स और जीरो बढ़ा देंगे, ये 9 प्लस 5 आपका 14 हो जाएगा और उसको 100 से इंटू करेंगे तो 1400 और ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। तो कहीं भी ये सारा कैलकुलेशन मैंने ओरली किया, इसीलिए फॉर्मूला पढ़ना जरूरी होता है बेटा। बिना फॉर्मूले के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला पढ़ना इसलिए जरूरी है कि देखिए कहीं भी मैंने रफ वर्क में टाइम वेस्ट नहीं किया, सब कुछ मैंने ओरली किया, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ने पे आपका आंसर आ जाएगा 1145। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट आप जब इसमें करेंगे नेक्स्ट, इतना हाँ फिफ्थ आइडेंटिटी में तो इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप सिक्स्थ आइडेंटिटी के तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए सिक्स्थ आइडेंटिटी जो है मेरा, बेटा वो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, x प्लस वाई का क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा इसको ना इसको इंटू कर देंगे तो एक इसका और फॉर्म आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर। जब आप इंटू करेंगे तो यही दो आंसर आएगा। सुनिए कोई बाउंडेशन नहीं है बाबू, आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज कहां पे है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताऊंगा, आप खुद ही इतना समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे कि सर ये दोनों फॉर्म क्यों पढ़ाए जब एक ही फॉर्म काफी है हमारे लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इसमें सबसे पहले मैं एनसाइनमेंट का सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट उठाऊंगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको आई थिंक आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी जब पढ़ा रहा था, मैं आपको लिख रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा,
जब मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको दो तरीके के क्वेश्चंस बताए थे कि बेटा इस क्वेश्चन पे ना, इस आइडेंटिटी पे दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक आपका एक्सपेंडिंग वाला आएगा, एक आपका फैक्टराइजेशन वाला आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है कि आपको छोटी सी चीज दी हुई रहेगी, आपको उसको फैलाना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि आपको बड़ी हुई चीज मिलेगी, आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम एक्सपेंडिंग वाला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक्सपेंडिंग वाला क्वेश्चन का पहचान क्या होगा मैं आपको बता दूं, वो ऑलरेडी सिक्योर मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि मैं अभी सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, तो जब आप एनसाइनमेंट का सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ेंगे ना बेटा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मैं सेवेंथ का फर्स्ट वन सॉल्व कर रहा हूं, तो 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चन, जैसे अभी सेवेंथ में आपके असाइनमेंट में साफ लिखा हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, यानी दैट सिंपली मींस कि इसको आपको एक्सपेंड करना है, लेकिन कभी कभार लिखा भी रहता है सॉल्व द फॉलोइंग और नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया रहेगा, तो इसमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए, इसमें आपको एक्सपेंड ही करना है। ठीक है, तो एज यूजुअल आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरे लिए एक्स क्या है, मेरे लिए एक्स ये पूरा एक्स है मेरा, यानी जब मैं इस फॉर्मूले पे इसको पुट करूंगा तो जहां जहां एक्स है वहां पे पूरे जगह पे मुझे 3x/2 लिखना होगा, ये मेरे लिए एक्स है, और जहां जहां वाई है वहां वहां मुझे वाई पुट वन है वहां वहां सॉरी जहां जहां वाई है वहां पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, वन। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आता है एक्स का क्यूब यानी 3x/2 का क्यूब, प्लस वाई का क्यूब यानी वाई वन का क्यूब, प्लस 3 × x यानी 3x/2 × y यानी 1। ठीक है, और x प्लस वाई तो 3x/2 + 1। अब देखिए, आप मैंने इसमें पुट करके करके लिखा, आप इसमें भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब बाबू इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा 27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27x² / 8 प्लस 1 प्लस 27² / 4। ठीक है, सॉरी, ये 27x³ हो जाएगा, नॉट स्क्वायर, क्योंकि क्यूब करेंगे ना बेटा। 27x² / 4 प्लस 9x/2, ये सॉल्व करेंगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। मेरा काम है आपको फॉर्मूले को समझाना, आप मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग सॉल्व तो कर ही लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एट्थ का सेकेंड क्वेश्चन उठाऊंगा। एट्थ क्वेश्चन में है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, आपको सुटेबल आइडेंटिटीज के हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 103 का क्यूब। एक बार फिर से आ गया वही कॉम्पिटेटिव वाला क्वेश्चन। देखिए, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा बापू कि कोई जरूरी नहीं है, जब आप कंपटीशन देंगे ना तो कोई आप देखने नहीं आ रहा है कि आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं या मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। आप बच्चा चाहे तो आप आराम से रफ में 103 103 या 103 इसको 3 बार इंटू करके और एमसीक्यू में जो ऑप्शन होगा उसको टिक लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये टाइम टेकिंग है ना, मैं आपको बता दूं, एक छोटे से कैटेगरी यानी सी ग्रेड का भी अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे ना, तो आपके पास 30 सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, यानी आधे मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इतना लेंथी पेपर होता है। तो अपना माइंड सेटअप करके चलो बाबू, माइंड सेटअप करके चलो। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 9th और 10th का मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आगे मैथ्स को 10th के बाद ड्रॉप करना चाहे। ठीक है, जो आगे मैथ्स को ड्रॉप करना चाह रहे हैं उनके लिए भी 9th 10th का मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस साइड ही स्टूडेंट ही सारे कंपटीशन फेस करते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद रेलवे का पेपर देंगे ना बाबू, बैंकिंग का पेपर में जाएंगे ना, तो वहां पे उसके मैथ्स का जब आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा
तो आपको 9th 10th का ही मैथ्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं। या तो मैं इसको 1 0 + 3 लिख दूं, तब भी मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं इसमें 1 0 3 + 1, ना यही काफी है क्योंकि इस फॉर्मूले बेस्ड पे है ना, तो 1 0 3 + 3 लिख दूंगा तब भी मेरा 1 0 3 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखने का इसलिए पर्पस है क्योंकि आपको अब दिख रहा है यहाँ पे मुझे एक एक्स मिल गया और एक वाई मिल गया। फॉर्मूले पे पुट कर दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। फॉर्मूले पढ़ने का मतलब सेम यही होता है बेटा कि हमें ओरली सारा कैलकुलेशन हम कर लें, हम सारा कैलकुलेशन ओरली कर लें। ठीक है, कहीं भी हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 100 × 3 और ये हो जाएगा 100 + 3। तो आप देखिएगा कहीं भी मैं रफ वर्क का हेल्प नहीं लूंगा, दाम ओरली हो जाएगा। 100 का क्यूब यानी 1 पे 60, 1 2 3 4 5 6, 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा। ये देखिए 3 × 9 900 और × 103, दिख रहा है ना आपको। अच्छा, इसको भी अगर मैं मतलब इसके लिए भी मुझे मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आराम से ओरली हो जाएगा। देखिए 9 3 × 27, 9 0 0 2 कैरी, 9 1 9 और इस पे 2 0 और ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, ये 27 हो जाएगा और ये आपका ऑलरेडी 6 0 था। अब नॉर्मल सी बात है कि मुझे बस इसको ऐड कर देना, तो जब मैं ऐड करूंगा ना बेटा तो ये मेरा आ जाएगा 1 0 9 2 7 2 7। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए एनसाइनमेंट का ही क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले मैं लिखूंगा, पहले लिख देता हूं मैं, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इसमें आप लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन का क्या सॉल्व करने जा रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है लिखा है देखिए, 27a³ + 1/64b³ + 27a² / 4b + 9a/16b². ठीक है, डन डन बेटा। अब बताइए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अब बताइए इसमें क्या करना है। नॉर्मल सी बात है बेटा, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, दैट सिंपली मींस कि हमें इसको फैक्टराइज करना है। आज जब आप एनसाइनमेंट का क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग विथ सुटेबल आइडेंटिटीज। तो पेपर में आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे कि फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइजेशन का हालांकि आपने बहुत सारे तरीके सीखे भी हैं, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड अब फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले तो सबसे पहले देखिए कैसे पहचान करते हैं, आइडेंटिटी का पहचान कैसे करते हैं। 27a³ है, क्यूब है, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है, लेकिन स्टार्टिंग में दो क्यूब्स हैं। अब स्टार्टिंग में क्यूब है, दैट सिंपली मींस कि ऐसा आइडेंटिटी मुझे लेना है जिसमें क्यूब प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा आइडेंटिटी मुझे लेना है जिसमें क्यूब प्रेजेंट हो। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब तक जो जितने आप फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें सब सिर्फ एक ही में क्यूब वाला आइडेंटिटी है, वो ये है x + y³। एक आइडेंटिटी और पढ़ेंगे आज, अब इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसमें आपका x - y³ रहेगा। ठीक है, दैट सिंपली मींस कि क्यूब है ना बेटा, तो या तो इससे जाएगा नहीं तो इससे जाएगा। ठीक, अब इससे जाएगा दैट सिंपली मींस कि कहीं ना कहीं माइनस होना चाहिए, तो माइनस तो है नहीं, सारे प्लस है, तो दैट डेफिनेटली दैट सिंपली मींस कि ये इससे जाएगा। ठीक है, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 को मैं 27a³ को मैं 3a³ लिख सकता हूं। ठीक, अब 1/64b³, तो इसको मैं 1/8 4 का क्यूब 64 होता है,
फोर बी का होल क्यूब लिख सकता हूं बेटा। अब जो मैंने आप लोग को बताया था कि बेटा ये वाला भी ध्यान रखिएगा, इसका कहीं कहीं आपको यूज होगा। देखिए जनरली होता क्या है कि ये वाला फॉर्मूला आपको एक्सपेंडिंग करते वक्त हेल्प करेगा, लेकिन जब बेटा फैक्टराइज करना होगा ना तो आपको इसी का हेल्प लेना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन में आपको ये हेल्प नहीं करेगा, आपको ये वाला हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि फैक्टराइजेशन में अगर आप ये फॉलो करने लगेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको फॉलो करते हैं तो तुरंत तुरंत कैलकुलेशन हो, ठीक है? तो देखिए पहले मैं सफाई से इस फॉर्मूले को ब्लैक पेन से लिख दूं। ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूं ना बेटा वो मेन डेटा में नहीं है, उसको ना ही आपको उस तरीके से पेपर में लिखना है। मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया कि बेटा x प्लस वाई के क्यूब को मैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई अब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब देखिए जब आपको x और y क्लियर हो गया ना तो नेक्स्ट स्टेप, इसको मत देखिए, इसको नहीं देखिए ना ही इसको देखिए, नेक्स्ट स्टेप में खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। यानी थ्री एक्स की जगह पे क्या है थ्री ए, यानी थ्री ए का स्क्वायर इंटू वाई की जगह पे क्या है वन अपॉन फोर बी। अभी रुकिए, वेट कीजिएगा, जैसे मैंने बोला वैसे वैसे करते जाइए। नेक्स्ट मुझे थ्री लिखना है, एक्स के जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे मेरा थ्री ए है, और वाई के जगह पे क्या है वन अपॉन फोर बी का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, मैच कीजिए किस आएगा या नहीं आएगा। देखिए चेकआउट कीजिए, थ्री का स्क्वायर करूंगा तो नाइन आएगा, नाइन थ्री जो 27 आ गया, ए स्क्वायर आ गया और नीचे में फोर बी, ठीक। इन द सेम वे थ्री थ्री जो 9 ए ऊपर में है और फोर का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, तो 16 बी स्क्वायर आ गया। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कभी भी फैक्टराइजेशन आए तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो होता है ना वो इसी फॉर्मेट में दिया रहता है, और जब आप इस फॉर्मूले पे उसको लेके चलेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले ये पूरा चीज, ये जो पूरा आप देख रहे हैं वो इसके साथ मैच कर रहा है। अब मैच कर रहा है डेट सिंपली मीन्स कि इसको आप आराम से 3a प्लस 1 अपॉन 4b का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी चीज को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं बेटा, ठीक है? इसी चीज को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन का काम है कि हमें एक्सपेंडेड को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना है, और एक्सपेंडिंग का काम है कि हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म को एक्सपेंडेशन में लाना है। जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा आइडेंटिटी है जस्ट इसी का जो अभी मैंने डिस्कस किया था, मेरा आपका सेवेंथ आइडेंटिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सेवेंथ आइडेंटिटी की तरफ है आपके पास x माइनस वाई का क्यूब। तो देखिए इसका एक तो नॉर्मल फॉर्म आपका ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक तो ये नॉर्मल फॉर्म है बेटा। तो इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे बाबू एक्सपेंडिंग में। और फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन में हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। तो जब आप फैक्टराइजेशन करें तो आप इसको यूज कीजिएगा, जब आप एक्सपेंडिंग करें तो आपको इसको यूज करना है। चले तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाऊंगा इसमें एनसाइनमेंट का सेवेंथ का सेकेंड, सेवेंथ क्वेश्चन एनसाइनमेंट का सेवेंथ क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है x अपॉन टू माइनस वाई अपॉन थ्री का क्यूब। क्वेश्चन एक्सपेंडिंग है, डेट सिंपली मीन्स कि मुझे ये वाला यूज करना है, ठीक है? इसके लिए ये मैं जहां पे x पुट करना होगा वहां पे मैं x अपॉन टू पुट करूंगा, जहां पे y पुट करना होगा मैं वहां पे y अपॉन थ्री पुट करूंगा। डन, चलिए फिर स्टार्ट कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। तो ये बेटा आ गया आपका x अपॉन टू का होल क्यूब माइनस वाई अपॉन थ्री का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स अपॉन टू इंटू वाई अपॉन थ्री
एक्स माइनस वाई यानी एक्स अपॉन टू माइनस वाई अपॉन थ्री, ठीक है, सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब अपॉन एट माइनस वाई क्यूब अपॉन 27, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी माइनस माइनस है, थ्री एक्स वाई अपॉन सिक्स एक्स अपॉन टू माइनस वाई अपॉन थ्री। आगे इसी को मल्टीप्लाई कर देना होगा बेटा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एट माइनस वाई क्यूब अपॉन 27 माइनस माइनस अच्छा ये थ्री कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहां पे ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एक्स वाई बचेगा, इसको इंटू करेंगे इसके साथ तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन यहां पे टू, तो टू टू जब फोर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू थ्री जब सिक्स, तो ये एक्सपेंडेड वाला क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, हम चल रहे हैं अब एट के फर्स्ट में, वही एकदम सेम कॉम्पिटेटिव वाला क्वेश्चन, एट के फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नाइन नाइन सेवन, नाइन नाइन सेवन तो नॉर्मल का क्यूब करना है आपको, तो वही है, या तो मल्टीप्लाई कीजिए नहीं तो फॉर्मूले बेस्ड पे कीजिए, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कीजिए नहीं तो फॉर्मूला यूज कीजिए, डन। तो चलिए फिर देखिए क्या करना है, इसको मैं 1000 माइनस थ्री लिख सकता हूं बेटा, बस मेरा फॉर्मूला यूज करने का मेन पर्पस है कि कहीं भी मैं पेपर मतलब रफ कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना करूं, ओरली सब कुछ हो जाए। चले अब देखिए, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे कुछ बताऊंगा मैं। चलिए तो स्टार्ट कीजिए, अब सबसे पहले तो क्या है कि अब सबसे पहला बात आता है तो मैं कौन सा फॉर्मेट यूज करूं, इसको अगर आगे एक्सपेंड करना है तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मेट यूज करूं, इसको यूज करूं या इसको यूज करूं, ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या दोनों फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। हमारा देखिए, पहले मैं अपना एम क्लियर कर दूं, मेरा एम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आइडेंटिटी पढ़ना है। अब आइडेंटिटी लगाने का मेन पर्पस है बेटा मेरा कि कहीं भी ना मैं कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट ना करूं। तो मेरा पहला जो फॉर्मेट है वो मेरे टीचर ने ये पढ़ाया है, x माइनस वाई का क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही फॉर्मेट है मेरा। अगर मैं इसमें पुट करता हूं ना तो देखिए कहां गाड़ी मेरी फंसेगी, देखिएगा 1000 का क्यूब सॉरी यहां पे हर जगह माइनस होगा, यहां पे भी माइनस होगा, यहां पे भी माइनस होगा, ठीक, माइनस थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू 1000 इंटू थ्री इंटू 1000 माइनस थ्री, ठीक। अब क्या है, इस फॉर्मेट को यूज करने के बाद क्या होगा, मैं यहां पे अटकने वाला काम शायद हो जाए मेरे साथ। देखिए थ्री थ्री जा नाइन इंटू थ्री टाइम्स, और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा नाइन नाइन सेवन, ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, एवरेज नॉर्मल बच्चे भी बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये 9 और 997 को ओरली इंटू नहीं कर पाएंगे, फिर वो कॉपी के तरफ रफ वर्क के तरफ हेल्प लेने चले जाएंगे। तो जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे ना, तो आप खुद से चूज कीजिए कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए इजी होगा। लेकिन मैं अगर दूसरा वाला फॉर्मेट लेता हूं, x माइनस वाई का क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट को मैं यूज करता हूं तो मेरा सारा कैलकुलेशन ओरली हो जाएगा। देखिए 1000 क्यूब माइनस थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स
एक दो तीन का स्क्वायर इंटू वाई यानी थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स, एक्स यानी 1000 इंटू थ्री का स्क्वायर। तो देख रहे हैं ना, कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आपको कॉपी का यूज नहीं करना पड़ेगा, रफ वर्क का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप बात को समझ रहे हैं, मैं बाउंड आप लोग को बाउंडेड नहीं करना चाहता कि आप जब सॉल्व करें तो इस फॉर्मूले को यूज करें, चाहे इस उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको इसको यूज करना, ये अंडरस्टैंडिंग है। मैंने क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप ये एम लेके चलिए कि मुझे किसी भी हालत से रफ वर्क में कैलकुलेशन ना करना पड़े, हर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को मैं ओरली कर जाऊं। अब ओरली कर जाऊं तो ऑटोमेटिकली अगर ये दिमाग में आपके अगर रहता है तो आप आराम से फॉर्मूले का चुनाव कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मेट मैं यूज करूंगा तो मेरा ओरली सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कहीं भी रफ वर्क में कैलकुलेशन का हेल्प नहीं लूंगा। यहां पे देखिए, मैं आराम से थ्री टाइम्स जीरो कर देता हूं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, दिख रहा है ना, थ्री नाइन, थ्री का क्यूब होता है 27, ये हो जाएगा थ्री थ्री या नाइन, और छह बार जीरो, एक दो तीन चार पांच छ, और थ्री नाइन थ्री या 27 पे थ्री टाइम्स जीरो, एक दो तीन, कहीं भी मैंने रफ वर्क का हेल्प नहीं लिया, सब ओरली हुआ। तो यही आपको एम लेके चलना, जब आप ये सोचते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सर क्या समझा रहे थे और कौन सा फॉर्मेट हम उसमें यूज करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा बेटा, प्लस माइनस कीजिएगा, तो आपके पास 9910269 73 आंसर आएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम अब आते हैं टेंथ क्वेश्चन में। टेंथ क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करूंगा, टेंथ क्वेश्चन में बेटा मैं सॉल्व करूंगा टेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट, टेंथ क्वेश्चन का मैं फर्स्ट सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन देखते ही आप बताइए, चलिए बताइए कि क्या इसमें करना है। तो क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस एट वाई क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर। देख के लग रहा है सर एक्सपेंडेड फॉर्म में है, यानी इसको हम पक्का है कि फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन टेंथ में जब आप क्वेश्चन टेंथ पढ़िएगा तो लिखा भी है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो क्लियर है बाबू। देखिए, अगर मन लगा के आप वीडियो देखेंगे, मन लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर हार्ड नहीं है, इट जस्ट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, इट जस्ट रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब वो तय करिए कि आप कितना इसमें अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इस टाइप का अगर फैक्टराइजेशन आएगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग के दो लेटर देखिए आपके क्यूब के फॉर्म में है और दो जगह माइनस है, डेट डेफिनेटली सिंपली मीन्स कि ये एक्स माइनस होल के क्यूब के फॉर्मेट पे जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो क्यूबिंग होगा वो तो मैं ऐसे करूंगा जैसे 2y का क्यूब हो गया। ठीक, अब मैंने क्या आपको सिखाया था कि फैक्टराइजेशन में हमेशा ये जो मैंने दो फॉर्मेट आपको लिख के दिखाए थे, देखिए फैक्टराइजेशन में हमेशा आप सेकेंड फॉर्मेट यूज करेंगे, कभी भी ये वाला मत यूज कीजिएगा नहीं तो फंस जाएंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख दूं ताकि मेरे सब्स्टिट्यूट करने में मुझे इजी होता है। एक्स माइनस वाई का क्यूब होता है उस सेकेंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, चले तो देखिए, माइनस थ्री थ्री एक्स क्या है, एक्स मिले यहां पे एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर इंटू वाई, वाई मेरे पास टू वाई है, टू वाई प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह मेरे पास x ही है, y का क्यूब y का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, अगर ये मैच करता है दैट सिंपली मींस कि आप राइट हैंड, अगर बाई चांस मैच नहीं करता तो आपको अदर आइडेंटिटीज या अदर मेथड यूज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये देखिए 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई मैच कर गया, यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 एक्स वाई स्क्वायर ये भी सेट कर गया, दैट सिंपली मींस क्या
कि ये x माइनस टू वाई का होल क्यूब है, दैट्स इट। देखिए अगर फॉर्मूला अगर आपने कैच कर लिया ना, तो फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन हार्ड नहीं होता बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन हार्ड नहीं होता। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस्ड पे हैं, इस एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा हार्ड लगा कि कुछ बच्चे शायद ना कर पाए, तो इसलिए मैं 8 का फिफ्थ बनाऊंगा। देखिए 27 पी क्यूब है, माइनस 1 अपॉन 216 है, माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर है, प्लस 1 अपॉन 4 पी है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सॉल्व कर दूं। ठीक है चले फिर, तो चलिए 27 जो है 3 का क्यूब होता है, यानी 3p का क्यूब लिख सकता हूं मैं। 216 बेटा 6 का क्यूब होता है, मैंने बोला भी था शायद कि 10 तक ना बेटा, 10 तक आप लोग स्क्वायर और 10 तक का क्यूब याद रखिए, थोड़ा काम करेगा। ठीक है अब नेक्स्ट इस फॉर्मूले पे मैं इसको पुट कर दूंगा, इसको अब नहीं, इसको देखना ही नहीं है, जब आप ये दोनों चीज लिख लिए तो इस फॉर्मूले पे इसको पुट करके देखिए या सॉल्व करके देखिए, अगर ये आ गया तो यानी रेड असेंबली में इसके आपका काम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे लिखना है 3x का स्क्वायर लिखना है, यानी 3p का स्क्वायर, फिर मुझे y लिखना है यानी 1/6 प्लस, अब मुझे लिखना है 3, फिर मुझे x लिखना है यानी 3p, फिर मुझे y का स्क्वायर लिखना है यानी 1/6 का स्क्वायर। ठीक है अब सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये 3 2 जा 6, यानी नीचे में 2 आ जाएगा और ऊपर में मैं 3 का 9, यानी 9p² / 2, डन। इन द सेम वे अगर मैं सॉल्व करूं तो ऊपर में 3 3 जा 9, इसको सॉल्व कीजिए, इसको देखिएगा सो कैसे ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 3 3 जा 9p अपॉन और ये 6 6 जा 36, यही होगा ना 6 का स्क्वायर, डन। 3 3 जा 9p और नीचे में 3 3 जा 6 6 6 जा 36 का स्क्वायर, तो 9 4 जा 36 होता है, यानी p अपॉन 4 आ गया। तो ये बेटा पहले पुट करना है, पुट करके सॉल्व करके देखना है कि आपने सही पुट किया है, यानी डेट सिंपली मीन्स क्या कि ये बेटा आ जाएगा क्या 3p - 1/6 का होल क्यूब। ठीक है तो अभी मैं अपने डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करूंगा। मैंने अभी आपको इस सेशन में 3 आइडेंटिटीज पढ़ाया, इस 3 आइडेंटिटीज का बेटा एनसाइनमेंट का मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, अब इसी के बेस पे जो जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, और बाबू आप लोगों से सविनय निवेदन है कि ये इस एक्सरसाइज पे, इस चैप्टर पे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग ध्यान दीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।